तो हेलो देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट पोके गर्ल यानी कि आयरिस के बारे में। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। अरे 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 अरे, पहले तो सुन तो लो मेरी बात यार, थोड़ी सुन तो लो। चलो चलो चलो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आई है आयरिस के बारे में कि वो रिटर्न करने के बाद क्या करेगी, एस के साथ किस तरीके से मीट करने वाले हैं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बाबू भैया, आप पहले इंट्रो लगा दीजिए, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा मैंने, तो लगाओ ना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, मुझे पता है कि आयरिस का नाम सुनते ही आप सभी का मुंह कुछ ऐसा हो गया होगा। हाँ, बट कोई ना, अपडेट तो अपडेट होती है, सुनना तो पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सहन कर लो, कल अच्छा वीडियो आएगा, यानी कि समझ रहे हो ना, सही ना पे आएगा, सही ना पे। हाँ हाँ, देखो देखो, सभी के मुंह देखो कितने चमकने लगे हैं। तो यार, अब स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैं बोल रहा था कि जब आयरिस आएगी तो किस तरीके से आएगी। सब आयरिस शायद 52 के आसपास एपिसोड के आसपास आएगी, आई थिंक ऐसी कुछ न्यूज़ निकल के आई है। बट इसको हम रूमर्स की तरह ही लेंगे, हर एक लीक्स हम रूमर्स के तरह ही लेंगे। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है या फिर तो कोई मैं कंफर्म चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इसे प्रेडिक्शन भी मत समझना, ठीक है ना। तो आयरिस का कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो एस के साथ मिलेगी, तब एस उसको अपना ड्रैगनेट भी बताएगा कि ये देखो भाई, मैंने भी ड्रैगनेट पकड़ा है, तेरे से अच्छा है। तो भाई वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे बैटल के लिए, तो दोनों ही ड्रैगनेट लड़ेंगे। ड्रैगन और भाई साहब, ड्रैगन पोकेमोन जब लड़ते हैं तब उनकी स्पिरिट ही अलग लेवल की होती है। और ऐसे ही सब कुछ होगा, और ऐसे ही मिलेंगे दोनों ड्रैगनेट मिलेंगे, और आगे क्या होगा वो हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। और जैसे ही मुझे और कुछ समरीज मिलते हैं आयरिस के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा एक और वीडियो बना के। और हाँ, अभी मैं आप सभी को एक बात बताना भूल जाता, आयरिस और एस शायद पोकेमोन वर्ल्ड कोरेशन टूर्नामेंट में मिलने वाला है। ये एक पोकेमोन का नया आर्क है, और इसमें गैरी और आयरिस की रिटर्निंग भी होगी शायद, मेरे हिसाब से, मैंने ऐसा सोचा है, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, तो इसे रूमर्स की तरह ही लेना। पोकेमोन वर्ल्ड कोरेशन आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये एक पोकेमोन का नया आर्क है। जैसे कि पहले डार्केस्ट डे आर्क था, वैसे ही ये वाला आर्क है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, और इसमें काफ़ी अच्छे एडवेंचर भी है, यानी कि इसमें एश, गो, क्लोई और हमारा वर्ल्ड चैम्पियन यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लियोन के बारे में, ये सभी लोग एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं एक पीली कलर की गाड़ी में, यानी कि गड्डी चलाओ बाबा, हम तो सफ़र करेंगे। तो यार, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड्स में, और काफ़ी अच्छे अच्छे एडवेंचर होने वाला है। और तो और, हमें जो पोकेमोन में आखिरकार देखना था, एस की अल्टीमेट टीम पोकेमोन की, वो आखिरकार एस की बन चुकी है। और एस के सभी पोकेमोन इतने तगड़े हैं ना भाई साहब, कि वो अगर किसी भी ट्रेनर के साथ लड़ने जाए ना, तो यार उसके तो पसीने छूटने वाले हैं अब। और अब तो मुझे पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप का इंतजार है कि यार ये एस के छः के छः पोकेमोन क्या क्या दिखाते हैं अपनी पावर्स। और तो यार, हर एक पोकेमोन एस का इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक से बढ़कर एक है यार, आपने नोटिस तो किया ही होगा। एस के सभी पोकेमोन जो पोकेमोन जर्नीस में है, वो यार आग लगा देने वाला है, आग यानी कि मजा आएगा भिड़ू। तो यार, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि थोड़ी रूमर्स टाइप हो सकती है, इस पर तो बिल्कुल बिलीव मत करना, मगर मुझे मिली है तो मैं बता देता हूँ, शायद सच भी हो जाए फ्यूचर में। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो आयरिस है वो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन लियोन की कज़िन है, यानी कि बहन वगैरह कुछ लगती होगी उसकी, मगर ये तो बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, फेक होगी, मैं तो बोल ही रहा हूँ फेक होगी, शायद, ओके शायद होगी। तो इस पर बिलीव मत करना, अगर बिलीव करना है तो फ्यूचर में राइट होगी तो बोल देना कि आप राइट हो। तो बस यार, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे आयरिस के बारे में। और हाँ, आप सभी को क्या लगता है कि आयरिस और ग्रे
किस एपिसोड में और किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत बताना। और हाँ, ये भी बता देना कि आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और तो और, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ सभी को पता चलनी चाहिए। और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, बिल्कुल ही फ्री है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा एंड बाय बाय।